ललितपुर रेलवे स्टेशन से प्रवासी श्रमिकों को लेकर देर रात गोरखपुर स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन से 1550 मजदूरों को उनके कर्तव्य के लिए रवाना किया गया। ललितपुर में प्रशासन के सहयोग से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन चलवाई गई है, जिसमें श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजने में देर रात तक जिले का पूरा प्रशासन लगा रहा। कल देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन ललितपुर से गोरखपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें अन्य प्रांतों से आए लगभग 1550 श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस दौरान उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई थी। इस कार्य में जिले के कई समाजसेवी संस्थाओं ने भूखे प्यासे मजदूरों को खिचड़ी व खाद्य सामग्री देकर अहम भूमिका निभाई। प्रशासन की इस पहल से श्रमिकों के चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। हमारे प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र से और कई शहरों से लगातार आ रहे थे ललितपुर, तो हम लोग उनको बसों से भिजवा रहे थे। इसके पहले हम झांसी से ट्रेन से भिजवाए थे, आज रेलवे प्रशासन ने हम लोगों के अनुरोध पे डीएम साहब ने अनुरोध किया तो एक ट्रेन हमको आज मिली। इसमें 1520 व्यक्ति श्रमिक जो गोरखपुर बस्ती गोंडा स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी, वहाँ के लोगों को इसमें हमने बैठा दिया है। सबको हमने खाना पानी सारे सामग्री दे दिया है, सबको टिकट सबको सारी चीज़ें हमने दे दिया है, निःशुल्क यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। और इसके बाद अगर कल श्रमिक रहेंगे कल एक ट्रेन और चलेगी। ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।